तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2019 जनवरी में आया था और ये 11 जनवरी को पूछा गया था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 2i कैप प्लस 4j कैप, मतलब ये इनिशियल पोजीशन दिया हुआ पार्टिकल का एट t इज इक्वल टू जीरो विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 5i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, तो पार्टिकल अगर मान लिया जाए ये ओरिजिन है तो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन आर नॉट ये हमें दिया गया है 2i कैप 4j कैप, यहां पर है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दिया गया है 5i कैप प्लस 4j कैप, मीटर पर सेकंड में दिया है और ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है। इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, विच प्रोड्यूसेज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके पास जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो एक्सेलरेशन आया है 4i कैप प्लस 4j कैप, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम 2 सेकंड, है ना, टी इज इक्वल टू जीरो पर ये जो पार्टिकल है वो यहां पर था, 2 सेकंड बाद वो कहां पर होगा हमें बताना है। टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब मैंने तो एक स्ट्रेट पाथ दिखा दिया लेकिन वो पता नहीं किधर चल रहा है, घूमकर जा रहा है, कैसे जा रहा है, हालांकि एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी जरूर नहीं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है और इसलिए ये जो है कर्ड पाथ को ही फॉलो कर सकता है। अब कर्ड पाथ को फॉलो करेगा तो घूम करके जाएगा लेकिन कहीं जाएगा, मैंने एक स्ट्रेट पाथ दिखाकर बनाया, हालांकि स्ट्रेट पाथ पर ये नहीं चल रहा होगा। ठीक, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो है वो डेल्टा एस लिख सकते हैं या डेल्टा आर लिख सकते हैं, ये होता है ut + ½ at² ये होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे पोजीशन की, पोजीशन जैसे ये ओरिजिन है, इनिशियल पोजीशन ये है आर नॉट, ठीक है, ये आर नॉट है। अगर पार्टिकल शुरू में यहां था और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना हो गया, है ना, डेल्टा एस या डेल्टा आर लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो तो पार्टिकल यहां से चल करके यहां पहुंचा होगा, तो पार्टिकल का जो पोजीशन है यहां से यहां तक, ये पोजीशन हम लोग आर कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे आर नॉट प्लस डेल्टा आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये आर नॉट प्लस डेल्टा आर जो है डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, तो इसको लिखेंगे ut + ½ at². तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये इक्वेशन यूज करना चाहिए, पार्टिकल का पोजीशन निकालना हो तो ये इक्वेशन यूज करना चाहिए। ये जो इक्वेशन है इसको मैं दोबारा सही तरीके से लिखता हूं, आर नॉट प्लस ut + ½ at², है ना, ये इसका पोजीशन हो गया। ठीक, अब इसी फॉर्मूले को हम लोग यहां पर यूज करेंगे इस पार्टिकल का फाइनल पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो देखेंगे कि जो r है यहां पर r नॉट का वैल्यू हमें पहले दिया गया था 2i कैप प्लस 4j कैप, ये हो गया r नॉट प्लस u × t, u का वैल्यू ये दिया गया है 5i कैप प्लस 4j कैप × t, जो टाइम है वो 2 सेकंड दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस हाफ at² एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ये दिया गया है 4i कैप प्लस 4j कैप, है ना, इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम जो है 2 सेकंड है तो 2 का स्क्वायर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20i कैप प्लस 20j कैप, ये पोजीशन आ गया, है ना। आपको पता होगा कि अगर पोजीशन वेक्टर पता है तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकालना होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना। जैसे
अगर सपोज पार्टिकल कहीं यहां पर हो, ये आर होता है पोजिशन वेक्टर, तो इसका कोऑर्डिनेट जैसे इसके हिसाब से देखेंगे तो ये 20, 20 आएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना हो तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 20√2, है ना। वही यहां पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा 20√2, जो कि पार्टिकल का ये फाइनल पोजिशन है। यहां से ये डिस्प्लेसमेंट निकालना तो ऐसे निकलेगा, है ना। मैंने बताया कि पार्टिकल जो है कर्व पाथ पर चल रहा होगा, और जरूरी नहीं कि एक साइड, ये तो मैंने ऐसे स्ट्रेट पाथ पर दिखाया था, है ना। तो ये कर्व पाथ पर चल रहा होगा, ये जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस पर हो, वाई एक्सिस पर कहीं इधर जा रहा है ऐसे, है ना। तो जो भी होगा फाइनली 2 सेकंड बाद उसका पोजीशन ये होगा, तो ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो ये होगा। और ये यहां पर पूछा गया था, तो देखेंगे ऑप्शन बी जो है यहां पर, ये 20√2 मीटर दिया गया है, तो ये जो है करेक्ट आंसर है।